नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 में आर के राजपूत। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव के इस दौर में आज हो गया 7 तारीख, आने वाले 13 रोज में चुनाव की मतगणना होने वाली है। ऐसे में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। हम अभी आए हैं वार्ड क्रमांक 13 में, जहां पर हमें मिले हैं कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता, महापौर के प्रबल दावेदार योगेंद्र सोलंकी जी। स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज 72 के योगेंद्र सोलंकी जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और जनता के बीच अपना। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सोलंकी है। मैं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 11 से पिछले बार पार्षद रहा हूँ। इस बार वर्तमान में कांग्रेस पार्टी मुझे वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनावी हथकंडों को बात करें तो वार्ड से ही शुरुआत करते हैं। चुनाव है जिस प्रकार सभी पार्टियां अपने रूलिंग पार्टियों हो चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव पे उतरी है? कांग्रेस पार्टी हमेशा मतलब विकास और लोगों के जो भलाई के जो कार्य है वो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आज वर्तमान चुनाव में भी हम लोग पार्षद के लिए यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। और कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं, जो 5 साल में जो विकास नहीं हुआ वो अभी विगत 2 साल में विकास हुआ है, उन सभी मुद्दे को लेकर हम लोग मतदाता के पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई एक ही पार्टी है जो कांग्रेस, जो आप लोगों की हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी। आप लोगों के सुख दुख में भी हम ही लोग ही आप लोगों के सहयोग करते हैं। जैसे कोरोना काल में आप देखे हैं कि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, अब हमारे विधायक जी, हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, महापौर थे, वो तो मात्र जी उनके जो पार्षद थे उन्हीं वार्डों में ही गए थे, लेकिन हम लोगों ने पूरे 40 वार्ड में और हर आदमी के दुख सुख में हम लोग खड़े हुए। और आप लोग देखे हैं कि हमारे जो माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं पंकज शर्मा जी और उनके तीनों पुत्र, हर पूरे विधानसभा क्षेत्र में रात दिन एक करके हमारे जितने भी मतदाता भाई थे उनका सहयोग किए हैं। वार्ड क्रमांक 11 से आप वार्ड क्रमांक 13 में आए हैं, चुनौती बड़ा रहेगा। अगर वार्ड के बारे में जाने तो सर, जनसंख्या कितनी होगी, कहाँ कहाँ तक फैला है वार्ड? मेरे वार्ड में लगभग मतलब 2000 करीब करीब मतदाता है, और चुनौती की कोई बात नहीं है, इसलिए कि मैं पिछले विगत 10 साल से यहाँ का सरपंच रहा, उसके बाद 5 साल में जनपद उपाध्यक्ष रहा, अभी वर्तमान में मैं नगर निगम बिरगांव के सभापति पर भी 5 साल रहा, तो चुनौती की कोई बात नहीं है। जनता जानती है कि कौन क्या करता है, जो आदमी काम करता है उसी को चुन के जनता लेके आती है। महत्वपूर्ण सवाल 2 रह गए हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस बार वार्ड की जनता को क्या देखने को नया मिलेगा? और दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण रहेगा कि पुराने महापौर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही थी, अंबिका यदु जी यहाँ की महापौर थी, तो उनका कार्यकाल आप कैसे देखते? नहीं, महापौर का कार्यकाल तो देखने और बात करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। अगर महापौर बहुत अच्छा कार्य की होती, आज कोई चुनाव में कोई भी वार्ड में उनका कहीं भी पदार्पण होता या कहीं से चुनाव लड़ती, वो तो आज वर्तमान स्थिति में है कि कहीं से चुनाव नहीं लड़ी, इससे साफ स्पष्ट होता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मतलब वो चुनाव से डर रही है। और अगर जनता की नए मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या नया देखने को मिलेगा चुनाव जीतने के उपरांत? नहीं, हमारे यहाँ तो जितने खास करके रावा भाटा विगत 15 साल से नगर पालिका रहा, 5 साल नगर निगम रहा, लेकिन रावा भाटा में जो सुविधा मिलनी थी अन्य वार्डों के हिसाब से, लेकिन रावा भाटा में नहीं मिला, क्योंकि हर बार महापौर दूसरे जगह के हो जाते थे, इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ था, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे थे वो नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ कि जब तो हम लोग यहाँ चुन के आए हैं, तब से रावा भाटा में विकास हो रहा है। आप 15 नंबर देख लिए, सारे गलियों का स्वीकृति हो गया PWD से, यहाँ खेल मैदान के लिए 1,10,00,000 की स्वीकृति हुई है। अभी वर्तमान में आपके शमशान घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, 58,00,000 के यहाँ के तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, पुष्प वाटिका का निर्माण का कार्य चालू हो गया, तो विकास का गंगा बहना चालू हो गया है। आओ, इन सब बातों को हमारे मतदाता जानते हैं, उसी आधार पर हम लोग उनके पास जा रहे हैं। अब मैं तो यहाँ तक आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अभी वर्तमान चुनाव में कांग्रेस कम से कम 35+ वार्डों में जीत के आएगी और हमारे महापौर बैठेंगे। दो सवाल और रह गए। ग्रामीण के अजय राजा, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक जी, और माननीय अजय मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी, उनके कार्यकाल का? नहीं, हमारे विधायक और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनका तो कुछ बोलना है तो मतलब सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है। आज आप देख रहे हैं हमारे सारे किसान भाई
बहुत खुश हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदा जा रहा है। मात्र एक ही प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहां 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदा जा रहा है, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जा रहा है, बिजली हाफ की सुविधा दी जा रही है। तो यहाँ जो बातें कांग्रेस पार्टी कही है वो सारे मुद्दों को वो किए हैं। और कुछ लोग हमारे विपक्ष ही बोलते हैं कि कुछ मुद्दे नहीं हुए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग 5 साल के लिए बन के आए, और 5 साल में जितने हमारे घोषणा पत्र था उस 36 घोषणा पत्र में 26 घोषणा को हम लोग ने लागू कर दिए हैं। जो बचे हैं वो भी आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। सर्वे में बताया जा रहा है आप महापौर के प्रबल दावेदार भी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, महापौर तो अब भाई जनता तो चाहती है, हर कोई चाहता है कि मेरे वार्ड का जो पार्षद जो चुन के जाए वो महापौर बने, लेकिन ये पार्टी का काम है। पार्टी जिसको कहेगी बनने के लिए वो बनेंगे। मतदान के लिए अपील कर सकते हैं? हाँ, मैं सभी मतदाता भाइयों से निवेदन करूँगी कि आप सब कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं 40 वार्ड में, आप उन्हीं को अपना बहुमूल्य वोट दें ताकि आपके पूरे क्षेत्र का विकास हो। आप लोग के सुख दुख में हमारे सारे साथी, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कीमती समय, इतने चुनाव के व्यस्त समय में कीमती समय हमको समय देने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चुनाव के दिन के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर बिरगांव।